आचार की पूजा करते हुए हमें विचारों की शुद्धता की आवश्यकता को न भुला देना चाहिए। जहाँ विचारों में दोष होगा वहाँ आचार अंतिम शिखर तक नहीं पहुँच सकेगा। रावण और इंद्रजीत की तपस्या में किस बात की खामी थी? इंद्रजीत के संयम का मुकाबला करने के लिए लक्ष्मण को संयम की आवश्यकता थी, यह बताकर आदि कवि ने आचार का महत्व सिद्ध किया है। परंतु इंद्रजीत के विचारों में विश्वास में आर्थिक वैभव को प्रधान पद प्राप्त था और लक्ष्मण के विश्वास में वह पद परमार्थ को प्राप्त था। अतएव कवि ने लक्ष्मण को जयमाल पहनाई, यतो धर्म अस्ततो जयः का भी यही अर्थ है। यहाँ धर्म का अर्थ उच्च से उच्च विचार अर्थात विश्वास और उसके अनुसार उच्च से उच्च आचार ही हो सकता है। मुझे लगता है हम पृथ्वी पर इसलिए जन्मे हैं कि हम अपने सृष्टा की आराधना करें, अपने को पहचानें, दूसरे शब्दों में आत्मानुभूति करें और इस तरह अपने प्रारब्ध को जानें। सच्ची ज्ञान का मतलब है आधी विजय। जिस सीमा तक हम उस महान सिद्धांत को अपने वास्तविक जीवन में उतारते हैं उसी सीमा तक वह जीने और प्रेम करने योग्य बनता है। तब हम शरीर के शाश्वत गुलाम बने रहने की अपेक्षा शरीर को ही अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। हम अपने जीवन में सत्य को धारण करके जिएं और माया असत्य और पाखंड का त्याग करें। वाणी प्रायः असत्य हो जाती है, वह पाखंड बन जाती है। क्रोध असत्य है, काम मोह मद आदि असत्य हैं। हमें इन तमाम सर्पों के विनाश के यज्ञ का अनुष्ठान करना है।